जब इसका सुई चेंज करते हैं तो ज्यादा टाइट कर देती है, इसकी वजह से टूट जाता है। तो अगर आपका सिलाई मशीन चुटकी टूट जाता है तो ये चेंज करने में काफी दिक्कत होता है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बहुत ही आसानी से आप इस चुटकी को निकाल करके और चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करना है इस वीडियो में आप पूरा देख सकते हैं दोस्तों। तो नमस्कार, मैं हूं राम, फिर आप देख रहे हैं रवि कुमार 22 चैनल। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो शेयर करना तो मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो जरूर अपने यार दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये चुटकी है और इसको किस तरीके से निकालना है, कैसे चेंज करना, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब इस चुटकी को निकालने की कोशिश करते हैं तो ये जो रॉड है, सुई रॉड, ये बेंड हो जाता है दोस्तों, काफी प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके वजह से मैं बहुत ही आसान ट्रिक लेकर के आया हूं दोस्तों कि कैसे निकाल करके आप चेंज कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे चैनल पर, पूरा वीडियो देखते रहिएगा। चुटकी चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इस प्लेट को यहाँ साइड से निकाल देना है और प्लेट निकालने के बाद यहां से इसका जो है दाब, इसको भी निकाल लेना है और इसको इस तरीके से ढील करिए और यहां से निकाल लीजिए दोस्तों। तो इसको भी निकाल लेना है और इसके बाद में ये प्लेट जो है, ये प्लेट पेच भी आप ढीला करके इसको प्लेट को भी निकाल लीजिएगा, नहीं तो आपको निकालने में दिक्कत हो जाएगा, निकाल नहीं पाएंगे। और यही सब चीज खोलते नहीं है लोग, तो इसी के वजह से राड जो है खराब हो जाता है, बेंड हो जाता है। अब क्या करना है दोस्तों, यहां से ये बेगनाल है, इसको भी आपको निकाल देना है। यहां से इस पेच को खोलिए और यहां से इस तरीके इस पेच को ढीला करिए, ये भी निकाल दीजिए इस तरीके से, और इस तरीके से इसको निकाल के साइड में रख दीजिए। अब क्या करना है आपको, यहां पे देख लीजिए ये दाती वाला जो है पेच, इसको भी आपको निकालना है। तो यहां से इसको भी खोलते हैं और यहां से इसको यहां से ढीला कर दिए हैं और यहां से इसको निकाल लेते हैं पेच को इस तरीके से, यहां से इसको निकाल दिए। अब एक पेज बचा हुआ है तो इसको भी निकालते हैं और यहां से इसको भी आपको निकालना होगा। और यहां से इसको निकालने के बाद में अब इसको साइड में रख देते हैं सब चीज को। अब क्या करते हैं, इसको इस तरीके से पलट लेते हैं और पलटने के बाद हमें लेना है एक बिलेट। देख लीजिए ये बिलेट है, एक्सा बिलेट है जिससे सरिया वगैरह काटते हैं, ये भी लेना होगा। और यहां से लेने के बाद में देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से इस राड को यहाँ पे देखने की कोशिश करें, दिखाई दे रहा है या नहीं, देख लीजिए इस तरीके से ये चुटकी है और नीचे कर देना है और यहाँ पे इस तरीके से इसे क्रॉस आपको कट लगाना है। अब क्या करना है, इस तरीके से इसको कट करना है यहां से, ये देखिएगा थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, बस इतना हो गया। और यहां से उसे जी मैं कट करके दिखा रहा हूं, तो दोस्तों देखिएगा यहां से इतना कट हो गया है, देख लीजिए पूरा कट नहीं हुआ है, यहां से देख सकते हैं। ये कट हो जाने के बाद में आप सोचते होंगे कि पूरा कट हो जाएगा तब निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं। इतना कट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, देख लीजिए ये बड़ा सा इसको ड्राइवर आपको लेना है, इतना बड़ा इसको ड्राइवर रहे, क्योंकि जब ब्लड इसको ड्राइवर रहेगा तो आपको इसमें इस तरीके से लगाना है और आपको ताकत लगाना है, इस तरीके से आपको घुमा देना है इस तरीके से। देख लीजिए टूट गया चुटकी, देख लीजिए ये टूट गया है। अब इसको थोड़ा सा और घुमा देते हैं इस तरीके से, इधर से दिखा दो इधर से, और इस तरीके से इसको इतना घुमाएंगे जब, तो देख लीजिए इसका जो मुंह है चुटकी निकल गया। अब इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। अब इसका जो सुई है ये इसे निकाल देते हैं और इसको निकालेंगे जब तो ये जो चुटकी है ये आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा सा और दबा देते हैं कि जिससे निकालने में आसानी हो, देख लीजिए निकल गया, देख लीजिए हाथ में आ गया निकल के। अब इसको क्या करना है, चुटकी कैसे लगाते हैं, अब इसमें इस तरीके से आपको डाल दिए हैं, अब लगाते हैं नया वाला चुटकी। तो कहा आप तो समझते होंगे नया वाला चुटकी लगाने में बहुत ही आसान है, कुछ करना तो होता नहीं, बस यहां से लगाइए इस तरीके से लगा दीजिए। अब दोस्तों यहां से लगाने के बाद ये चुटकी तो सेट हो गया है, अब जिस तरीके से आप सभी पार्ट को खोले हैं उसी तरीके से दोस्तों इसका सेटिंग करना है। तो अब इसको सेटिंग कर लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर चुटकी टूट जाता है तो चेंज किया जाता है दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।